आज हम लोग देखने वाले बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। अगर आपने नीट 2022 में क्वालिफाई किया है और आपको MBBS के सीट्स के लिए बहुत इंतज़ार है, बेसब्री से मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है आपको, तो बच्चों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखेंगे कि आपके जो ऑल इंडिया रैंक अलॉट हुए हैं 2022 में, तो आपको कौन से मेडिकल कॉलेजेस आपके काउंसलिंग के लिस्ट में होनी चाहिए, जो आपको मिलने की पूरी उम्मीद है बच्चों। तो आप ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इसमें हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि 2021 के जो ऑल इंडिया रैंक्स जो आए थे और जो काउंसलिंग हुआ था, उसके तीनों राउंड में जो बिहार के अंदर किस रैंक पे, किस स्कोर पे कौन सा मेडिकल कॉलेजेस मिले थे, उनका डिस्कशन हम आज के सेशन में करने वाले हैं। तो हम डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस वाइज इस सेशन को देखने वाले हैं। तो पहला सेशन हमने जो स्टार्ट किया बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आपको कि एक सीरीज लेकर के आएंगे जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। द नंबर वन द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ बिहार, दैट इज पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दैट इज PMCH। इसके अंदर बच्चों टोटल 200 सीट्स हैं। 85% ऑफ द सीट आपको बिहार स्टेट की काउंसलिंग से भरे जाएंगे एंड 15% सीट्स, दैट इज 30 सीट्स फ्रॉम ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे। तो आज हम बात करते हैं बिहार के अंदर जो काउंसलिंग हुआ था उसमें जो थ्री राउंड्स हुए थे, उस राउंड में क्या कट ऑफ गए वो हम देखने वाले हैं, किस कैटेगरी का क्या नीट स्कोर था और उनका ऑल इंडिया रैंक कितना था, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको भी ये मदद मिलेगी। तो PMCH में अगर हम बात करें बच्चों, जो DQ के जो सीट्स हैं वो आपका 9 सीट्स हैं और इस कैटेगरी में जो स्कोर आए थे, नीट स्कोर इन बच्चों का आया था 315 और मार्क्स आए थे और इनका ऑल इंडिया रैंक देखेंगे, दैट इज 298,800 ऑल इंडिया रैंक। सेकेंड देखेंगे बच्चों UR जनरल का, देख सकते हैं 66 सीट्स है और इसके अंदर ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे, दैट इज 7,316 एंड UR जो नीट स्कोर था दैट इज 635। तो अगर आप 635 के ऊपर है या 630 के ऊपर है, तो लास्ट ईयर का तो 635 था, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ 630 एबव के बच्चे अगर हैं तो उनको PMCH मिलने का चांसेस है। इनका ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, जिनका भी रैंक 7,316 था लास्ट ईयर में 2021 में, उन्हें MBBS PMCH के अंदर मिला था। इसी तरह से ST कैटेगरी में बच्चों एक ही सीट है MBBS की, ST कैटेगरी के बच्चों के लिए और इनका नीट स्कोर था बच्चों 542 और इनका रैंक था 54,277। इसी तरह से बच्चों SC कैटेगरी की बात करेंगे, ST कैटेगरी में टोटल 26 सीट्स हैं बिहार के अंदर और इसके अंदर जो इनका नीट स्कोर था 526 और इनका जो ऑल इंडिया रैंक है 66,029। तो बच्चों अब इसी कैटेगरी का भी आप देख लीजिए, डिफरेंट कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। लास्ट टाइम आपने शिकायत किया था कि आप कैटेगरी वाइज नहीं बता रहे हो, तो बच्चों ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, हमने सारे चीज़ों का लेकर क्या है, इस बार आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। चलिए इसी तरह से जो सेकंड आया BC कैटेगरी की बात करें, तो BC कैटेगरी में 20 सीट्स हैं और इसमें जो लास्ट कट ऑफ गया है दैट इज 632 नीट स्कोर पे सिलेक्शन हुआ था इसमें और इसमें 7,971 ये ऑल इंडिया रैंक के बच्चे का PMCH मिला था। इसी तरह से बच्चों EBC के टोटल सीट्स 30 हैं और EBC के सीट्स में अगर स्कोर देखेंगे, इनका भी लगभग 632 मार्क्स के आसपास इनका PMCH में अलॉट हुआ था और इनका भी रैंक की अगर बात करेंगे तो 7,964 ऑल इंडिया रैंक था, इन्हें PMCH अलॉट हुआ था। नेक्स्ट कैटेगरी पर चलते हैं बच्चों, डेट इज 5 सीट्स हैं RCG कैटेगरी में, रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स। वैसे गर्ल्स जो रिजर्व कैटेगरी में आते हैं बच्चों, सारे गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो रिजर्व कैटेगरी है मतलब जिनका रिजर्वेशन है ऑलरेडी, चाहे वो SC ST EBC ये सब आ रही है रिजर्वेशन में और उसके बाद उनका एक अलग से भी कैटेगरी रखा गया है, दैट इज कॉल्ड RCG, जिसमें से 5 सीट्स हैं PMCH के अंदर, जिसमें लास्ट नीट स्कोर आया था 631 और इनका ऑल इंडिया रैंक था 8,070, इनको भी PMCH में MBBS अलॉट हुआ। इसी तरह से जो EWS की सीट है, जो इकोनॉमिकली वीक है, जनरल के कैंडिडेट्स को रखा गया 10% रिजर्वेशन के साथ, इनमें अगर सीट्स की बात करें तो PMCH में 17 सीट्स हैं EWS की, जिसमें लास्ट जो नीट स्कोर था दैट इज 631 और इनका भी स्कोर देखेंगे दैट इज 8,259। तो बच्चों ये था आपका PMCH। PMCH में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये रैंक्स पता होनी चाहिए कि आपकी कैटेगरी क्या है और आपका क्या नीट स्कोर है और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग क्या आई है, आप इसी के आसपास इस साल भी मिलने के चांसेस होते हैं। थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, 5-10% ऊपर नीचे आप जा सकते हैं। तो पूरी उम्मीद है कि इसी रैंक में आपको कॉलेज अलॉट होगी।
सेकंड कॉलेज में बच्चों देखते हैं, दैट इज नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल NMCH। और NMCH की बात करें, यह भी पटना के अंदर ही बच्चों, इसमें अगर सीट्स की बात करेंगे तो टोटल MBBS की 150 सीट्स हैं। डिफरेंट कोटा वाइज हम देखते हैं, ये 6 जो है वो DQ में है बच्चों, नंबर ऑफ सीट्स DQ में 6 है। और इसमें जो नीट स्कोर गया था बच्चों, दैट इज DQ के लिए 207, और जिनका ऑल इंडिया रैंक था बच्चों 5,08,552। सेकंड जाते हैं बच्चों, 49 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के UR के, जिसमें से नीट स्कोर था उनका 622, और इनका जो रैंक है 10,887। इनको बच्चों यहाँ पे NMCH अलॉट हुआ था MBBS में। उसी तरह से 2 सीट्स हैं इसके अंदर, ST कैटेगरी के सीट्स 2 हैं NMCH में, जिसमें 504 जो नीट स्कोर था उन बच्चों का, और उनका जो रैंक था AIR, दैट इज 83,270 ST कैटेगरी के बच्चों। अब आ जाइए हम लोग, 20 सीट्स हैं SC कैटेगरी के, जिसमें जो नीट स्कोर है दैट इज इक्वल टू 502 मार्क्स पे इनका सिलेक्शन हुआ था बच्चों, और 85,012 इनका ऑल इंडिया रैंक था। इसी तरह से जाएं बच्चों BC के, टोटल BC के 15 सीट्स हैं NMCH के अंदर, और इनका मार्क्स नीट स्कोर था 620, और इनका रैंक अगर बात करेंगे 11,546, इनको NMCH अलॉट हुआ था। उसके बाद बच्चे जाते हैं EBC का, EBC का 18% रिजर्वेशन है बिहार के अंदर, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स NMCH में बच्चों 22 सीट्स हैं, और इसमें जो लास्ट मार्क्स आए थे 616 नीट स्कोर पे अलॉट हुआ था, इनका ऑल इंडिया रैंक था 13,012। इस रैंक पे EBC कैटेगरी वाले बच्चों को NMCH अलॉट हुआ था। उसी तरह बच्चों RCG जाए, रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स के 4 सीट्स हैं NMCH के अंदर में, जिनका लास्ट नीट स्कोर था 619, और इनका ऑल इंडिया रैंक था 11,987, इनको भी अलॉट हुआ था NMCH। उसके बाद 12 सीट्स थे EWS केस में, जिसका नीट स्कोर 620 था, और ऑल इंडिया रैंक 11,721। तो बच्चों इस रैंक के बच्चों को NMCH पटना अलॉट हुआ था। तो आप भी तैयार हो जाइए, आपके रैंक्स क्या है, आप इसी हिसाब से अपनी काउंसलिंग के लिए भी तैयार हैं। चलिए बच्चों आगे सेक्शंस पे चलते हैं हम लोग, आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ में आएगी कि किस स्कोर, आपके स्कोर पे और क्या क्या कॉलेज मिलने के चांसेस। हम चलते हैं बच्चों, थर्ड कॉलेज जो पटना के अंदर है, दैट इज वेरी फेमस IGIMS मेडिकल कॉलेज है, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। यहाँ पे बच्चों देखिए क्या अलॉटमेंट हुए थे, तो हम बात करें इसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 120 है, और इसमें सीट्स की बात करें तो 5 सीट्स जो है 5 सीट्स फ्रॉम DQ, और इनका नीट स्कोर था बच्चों 226, और ऑल इंडिया रैंक की बात करेंगे दैट इज 4,64,484। बच्चों जो DQ के बच्चे जो हैं उनका आप देख सकते हैं कि नीट स्कोर कम पे सेलेक्ट हो रहा है। तो आपको भी चाहिए कि आपके इन्वायरमेंट में, अगर आपके आसपास में पड़ोस में ऐसे बच्चे जो डिसेबल्ड कैटेगरी में आते हैं, आपको उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो भी नीट का एग्ज़ाम दें, और बहुत ईजी वो क्वालिफाई कर सकते हैं और अपने लाइफ को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो ज़रूर आप भी अपने आसपास के लोगों को मोटिवेट करें। इसी तरह से बच्चे चलते हैं 41 सीट्स की बात करते हैं, ये जनरल कैटेगरी में आती है, UR कैटेगरी में आती है IGMS के अंदर, दैट इज इसके नीट स्कोर थे 628, और इसमें 9,028 रैंक पे ऑल इंडिया रैंक पे इसमें IGIMS अलॉट हुआ था। ST के 1 सीट्स हैं बिहार के अंदर, जिसमें नीट स्कोर 511 पे मिला था, एंड ऑल इंडिया रैंक 77,980, ये ऑल इंडिया रैंक थे उस बच्चे के जिनको लास्ट अलॉटमेंट हुआ था IGIMS। उसी तरह से बच्चों SC कैटेगरी के 16 सीट्स हैं बिहार के अंदर, इनका लास्ट कटअप था 508 मार्क्स, और इनका रैंक था 79,642। इस रैंक वाले बच्चों को SC कैटेगरी को IGIMS अलॉट हुआ था। फिर आते हैं बच्चों 12 सीट्स हैं BC कैटेगरी के, जिसका मार्क्स देख सकते हैं 626 मार्क्स नीट स्कोर आए थे, एंड 9,542 ऑल इंडिया रैंक थी, इस बच्चों को अलॉट हुआ था IGIMS। उसी तरह से बच्चों चलते हैं EBC कैटेगरी पे, डेट इज एक्सट्रीमली बैकवर्ड कैटेगरी, इनकी 19 सीट्स हैं इसकी, और 623 मार्क्स पे अलॉट हुआ था IGIMS, इनकी रैंक थी 10,659। इसी तरह से बच्चों RCG पे चले, रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स के 3 सीट्स हैं IGIMS में, जिसका लास्ट मार्क्स गया था 623, और इनका भी रैंक लगभग 10,678 मार्क्स ऑल इंडिया रैंक्स रहे। EWS की बात करें तो इकोनॉमिकली वीक जो स्टूडेंट हैं जनरल कैटेगरी के, उनके 10 सीट्स हैं IGIMS के अंदर, और इनका भी अगर आप देखेंगे तो नीट स्कोर जो 626, एंड ऑल इंडिया रैंक दैट इज 9,763। इट्स ऑल अबाउट IGIMS। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉलेज पे, जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है बिहार के अंदर, दैट इज दरभंगा मेडिकल कॉलेज, ये पटना के बाहर है, दरभंगा यहाँ से लगभग मान के चलें आपकी 110-120 किलोमीटर की दूरी है पटना से,
और यहाँ जो ये भी बिहार का बहुत पुराने मेडिकल कॉलेजेस में आता है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स 120 है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। इसमें अगर हम सीट्स की बात करें तो बच्चों 5 सीट्स फ्रॉम DQ एंड DQ कैटेगरी के जो नास नीट स्कोर थे 234 एंड ऑल इंडिया रैंक 4,47,403 इन बच्चों को यहाँ पे अलॉट हुआ था। जनरल के 39 सीट्स हैं और इनका जो नीट स्कोर है 618 और ऑल इंडिया रैंक 12,428 इस रैंक पे इनको अलॉट हुआ था बच्चों, दैट इज दरभंगा मेडिकल कॉलेज। ST के 1 सीट्स हैं और नीट स्कोर एंड AIR बच्चों अवेलेबल नहीं था, इस वजह से हमने इसके बारे में नहीं लिखा है। अब आइए बच्चों 15 सीट्स जो हैं वो SC कैटेगरी के हैं और SC कैटेगरी के जो नीट स्कोर थे लास्ट ईयर डेट इज 494 और इनका जो रैंक था डेट इज 91,800। इसी तरह से बच्चों 12 सीट्स BC कैटेगरी के हैं DMCH के अंदर और इसके अंदर जो नीट के स्कोर थे डेट इज 616 और इसकी जो रैंक थी 13,136। 70 सीट्स है EBC कैटेगरी के बच्चों जिसमें आप 613 मार्क्स पे इनका सिलेक्शन हुआ था, नीट स्कोर था एंड 14,256 रैंक थे इनके ऑल इंडिया रैंक। उसके बाद आए 3 सीट्स है फॉर RCG रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स और इसमें 615 मार्क्स जो लास्ट नीट स्कोर आया एंड इनके रैंक थे बच्चों 13,479। तो ये RCG कैटेगरी के अंदर लास्ट इज 10 अगर जो सीट्स हैं वो EWS के हैं और इसमें बच्चों 616 मार्क्स पे नीट स्कोर थे एंड 13,196 ऑल इंडिया रैंक्स थे, इनको अलॉट हुआ था EWS कैटेगरी में दरभंगा मेडिकल कॉलेज। तो बच्चों नेक्स्ट कॉलेज पे अगर हम जाएंगे जो यहाँ से लगभग 65 किलोमीटर मतलब पटना से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे है, डेट इज श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर में अवस्थित है, जो यहाँ से लगभग 65-70 किलोमीटर के आसपास यहाँ से होगा और यहाँ पे अगर हम सीट्स की बात करें ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, पुराना मेडिकल कॉलेजेस ही है। इसमें DQ पे 5 सीट्स हैं और इसमें नीट स्कोर बच्चों देख सकते हैं 179 पे ही इनका सिलेक्शन हुआ एंड ऑल इंडिया रैंक था 582,707। उसी तरह से बच्चों जनरल के यहाँ पे देख सकते हैं 39 सीट्स हैं और इनका जो रैंक गया था दैट इज 616 एंड 13,000 नीट स्कोर था 616 मार्क्स एंड द रैंक वाज 13,230। ST कैटेगरी के 1 सीट्स हैं, इनका सिलेक्शन हुआ था 487 मार्क्स पे और द रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक इज 97,250। इसी तरह से 16 सीट हैं SC कैटेगरी के बच्चों जो इनका लास्ट देखा जाए 475 पे आपको SKMCS मुजफ्फरपुर मिला था एंड द रैंक इज 1,08,177। इसी तरह से 12 सीट्स देख सकते हैं BC कैटेगरी के हैं एंड जिसकी जो मार्क्स है दैट इज 613 और रैंक इज रैंक वाज 14,374। नेक्स्ट इज 18 सीट्स EBC कैटेगरी के हैं SKMCH के अंदर एंड द रैंक इज 595 मार्क्स, नीट स्कोर पे सिलेक्शन हुआ है एंड 22,361। तो बच्चों इस स्कोर पे SKMCH मुजफ्फरपुर मिला है। उसी तरह से RCG कैटेगरी की बात करें रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स, वो 3 सीट्स हैं जिसमें 611 मार्क्स सिलेक्शन हुआ है इनका एंड द रैंक वाज 14,928। ये 2021 का डेटा बच्चों। इसी तरह से 9 सीट्स EWS में है, 612 इनका नीट कट ऑफ स्कोर गया था और ऑल इंडिया रैंक था 14,734। इस रैंक पे बच्चों स्कोर अलॉट हुआ था SKMCH मुजफ्फरपुर में। एक चीज और बता दूं, RCG में जनरल कैटेगरी के जो गर्ल्स हैं वो RCG में नहीं आती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। RCG उन्हीं गर्ल्स कैटेगरी को मिला है जो ऑलरेडी किसी न किसी कैटेगरी में आते हैं, उन कैटेगरी के लिए स्पेशल अपार्ट फ्रॉम द रिजर्वेशन ऑफ हिज कैटेगरी उनको RCG में भी एक कुछ सीट्स दी गए हैं, आप देख सकते हैं, मैंने आप एक एक करके डिस्कस भी किया है। उसी तरह से बच्चे चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज हमारा जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भागलपुर, तो जैसे JLNMC भागलपुर, तो वहाँ पे चले टोटल सीट्स है 120 जिसमें स्टेट कोटा की हम बात करें तो DQ की 5 सीट्स है, नीट स्कोर DQ का आया था 157 देख सकते हैं बच्चों, 6,46,595 ये लास्ट कट ऑफ रैंक गया है ऑल इंडिया का DQ वाले बच्चों का। उसी तरह से 39 सीट्स जो हैं वो जनरल के सीट्स हैं, इनका जो लास्ट रैंक गया है स्कोर गया है 616 एंड द रैंक इज 13,208। ST के 1 सीट्स हैं आपके भागलपुर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिसके रैंक की अगर हम मार्क्स की बात करें तो 482 एंड द रैंक इज 1,02,000
216, दिस इज द AIQ एंड द सेक्शन 12 सीट्स हैं BC कैटेगरी के, इनका जो मार्क्स गया है नीट टेस्ट को दैट इज 614 और इसमें 13,897 इनके जो लास्ट AIR रैंक गए हैं उनका रैंक आप देख सकते हैं। उसी तरह से 17 सीट्स जो है बच्चों वो EBC कैटेगरी में है और EBC में ये रैंक मार्क्स जो आया दैट इज 598 और इनका रैंक देख सकते हैं 20,643 इस AIQ पे ये सीट्स फिल हुए। 3 सीट्स फ्रॉम RCG कैटेगरी इन भागलपुर दैट इज रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स एंड इसका स्कोर गया था 612 एंड 14,671 इज ऑल इंडिया रैंक था इनका। 10 सीट्स EWS के हैं भागलपुर के अंदर दैट इज इनका भी कट ऑफ नीट स्कोर 612 है बच्चों एंड इनका जो रैंक गया था दैट इज 14,605। तो ये था बच्चों आपका भागलपुर मेडिकल कॉलेज के बारे में। नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं हम लोग दैट इज अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तो जो गया में है बच्चों दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ भी देख सकते हैं आप टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है 120 है। कैटेगरी वाइज देखेंगे 5 सीट्स DQ के हैं इसमें, इसका जो नीट स्कोर गया है दैट इज 154। ऑल इंडिया रैंक अगर हम बात करें दैट इज 6,56,133 एंड द 39 सीट्स फ्रॉम UR जनरल कैटेगरी के लगभग कितने सीट्स हैं बच्चों दैट इज 39 सीट्स हैं और इनका जो नीट स्कोर गया बच्चों दैट इज 625 एंड द ऑल इंडिया रैंक इज 9,990 देख सकते हैं बच्चों। एंड ST के 1 सीट्स हैं, इनका जो लास्ट कट ऑफ स्कोर गया है नीट स्कोर दैट इज 535 और यहाँ पे बच्चों 59,401 ऑल इंडिया रैंक इस बच्चे के रहे हैं। 16 सीट्स SC कैटेगरी के हैं यहाँ एंड SC कैटेगरी का ये मार्क्स देख सकते हैं 472 पे ये अलॉट हुआ बच्चों एंड 111,144 ऑल इंडिया रैंक्स उस बच्चे के जिनको आपको अलॉट हुआ है अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों 12 सीट BC कैटेगरी के हैं, इनका लास्ट नीट स्कोर था 609 एंड ऑल इंडिया रैंक इज 15,896। नेक्स्ट आते हैं बच्चों 17 सीट्स फॉर EBC कैटेगरी है यहाँ पे गया के अंदर और 590 इनका जो नीट स्कोर था लास्ट ईयर एंड 25,109 रैंक पे इनको ये कॉलेज अलॉट हुआ है। RCG के रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स के लिए 3 सीट्स हैं, इनका जो नीट स्कोर है बच्चों जो 608 नंबर 608 और इनका ऑल इंडिया रैंक है 16,191। EWS की बात करें 10 सीट्स फॉर EWS और इनका नीट स्कोर था बच्चों 610 एंड 15,357 इज ऑल इंडिया रैंक। तो आप भी देख लें इसमें आपके लिए कौन सा आपके क्या रैंक है, क्या आपको जो NMC नालंदा में अनुग्रह नारायण मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है कि नहीं, आपको अपने रैंक से पता चल जाएगा। इसी तरह से बच्चों हम लोग जाएंगे नेक्स्ट कैटेगरी में दैट इज वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पावापुरी में बच्चों, ये मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है मेडिकल कॉलेज। इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं कि बिहार के अंदर इस पावापुरी में जो मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर जो कट ऑफ की बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स बच्चों 120 है जिसमें DQ के 5 सीट्स हैं, इनका नीट स्कोर 151 गया बच्चों एंड इसमें जो रैंक देखेंगे उस बच्चे का दैट इज 6,65,502। नेक्स्ट इज 41 सीट्स फॉर UR जनरल कैटेगरी के हैं, इनका नीट स्कोर 617 था बच्चों, ऑल इंडिया रैंक 12,913। नेक्स्ट अगर बात करें ST कैटेगरी के 1 सीट्स हैं, इसमें 497 मार्क्स का सिलेक्शन हुआ है और द रैंक इज 89,275। इसी तरह से 16 सीट्स बच्चों SC कैटेगरी के हैं और इनका रैंक था, इनका नीट स्कोर था 468 एंड ऑल इंडिया रैंक इज 1,14,750। नाउ तो 12 सीट्स फॉर BC कैटेगरी और इसमें जो बच्चों 607 मार्क्स पे लास्ट कट ऑफ गए हैं और इनका रैंक था बच्चों 16,531। 19 सीट्स फॉर EBC कैटेगरी बच्चों और यहाँ पे जो लास्ट कट ऑफ गया है 590 एंड द रैंक इज 24,843। इसी से 3 सीट्स फॉर द RCG कैटेगरी एंड द नीट स्कोर वाज 603 एंड ऑल इंडिया रैंक इज 18,332। 10 सीट्स फॉर EWS एंड हिज नीट स्कोर इज 610 एंड द लास्ट ऑल इंडिया रैंक फॉर दैट इज 15,712। तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज अलॉट होगा। नेक्स्ट कॉल मेडिकल कॉलेज पे आते हैं बच्चों, ये भी नया मेडिकल कॉलेज है दैट इज GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बेतिया में है। यहाँ पे आप देखेंगे ये नया मेडिकल कॉलेज में ये है, इनमें जो सीट्स है 120 सीट्स है, इसमें भी बच्चों DQ के लिए 5 है और इनका नीट स्कोर था 148।
एंड ऑल इंडिया रैंक इज 676,162। सेकेंड 41 सीट्स आप देख सकते हैं फॉर द जनरल कैटेगरी और कंपनसेशन सीट्स ऑफ EWS अगेंस्ट UR। तो जो सीट्स कंपनसेशन सीट दिया गया था EWS, जो EWS के बच्चे जिनका ऑल इंडिया में भी रैंक आ रहा था, तो जो ऑल इंडिया रैंक से ले लिए उनका EWS वाला जो कैटेगरी खाली हुआ उनको इन सीट से भरा गया इस मेडिकल कॉलेज के अंदर। ST के 1 सीट्स हैं, इनका अगर रैंक देखेंगे नीट स्कोर 487 एंड द रैंक इज 97,406। सेकंड आते हैं 16 सीट्स फॉर ST कैटेगरी, इनका जो बच्चों नीट स्कोर था 458 एंड द रैंक इज 1,23,898। 12 सीट्स फॉर BC कैटेगरी एंड द मार्क्स इज 604 एंड द रैंक इज 17,989। इसी तरह से बच्चों 19 सीट्स फॉर EBC कैटेगरी एंड द रैंक नीट स्कोर वाइज 587। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 587 एंड हिज रैंक इज 26,550। तो 500 लगभग आ गए 87 के करीब, इस बार देखिए लगभग इसी के आसपास भी रहने का उम्मीद है या इससे थोड़ा कम भी जा सकता बच्चों, है ना। नेक्स्ट इज RCG। RCG की 3 सीट्स हैं, 600 लास्ट स्कोर था इनका और रैंक था इस पर 19,757 फॉर रिजर्व कोटा फॉर गर्ल्स के लिए एंड 10 सीट्स फॉर EWS। EWS के लिए 10 सीट है GMC बेतिया में, लास्ट पे स्कोर था बच्चों 603 एंड 18,546। इस रैंक पे, ऑल इंडिया रैंक पे GMC बेतिया बच्चों लॉट हुआ था बिहार के अंदर। नेक्स्ट मेडिकल कॉलेज इज नए मेडिकल कॉलेज है बच्चों, लास्ट ये 2021 में पहला काउंसलिंग हुआ था और इस साल दूसरा बैच जाने वाला है। दैट मेडिकल कॉलेज इज जन नायक कर्पूरी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल मधेपुरा। तो यहाँ बच्चों अगर हम बात करें, टोटल 100 सीट्स हैं, इसमें DQ के 4 सीट्स हैं एंड नीट स्कोर जो है 134 है एंड उनका जो रैंक है बच्चों दैट इज 728,949। बहुत कम नीट कट ऑफ पे वो बच्चों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपके आसपास अगर कोई DQ है तो उनको ज़रूर प्रोत्साहित करें, ज़रूर मोटिवेट करें कि आप इस प्रोफेशन में आए और वो बच्चे क्वालिफाई भी कर सकते हैं, थोड़ा सा भी मेहनत करेंगे दे विल गेट द मेडिकल कॉलेज। नेक्स्ट इज जनरल के 34 सीट्स हैं बच्चों, इसमें भी कंपनसेशन दिया गया था EWS के अगेंस्ट में जनरल कैटेगरी को मधेपुरा के अंदर। 1 सीट्स फॉर ST कैटेगरी और ST कैटेगरी का नीट स्कोर था बच्चों दैट इज 487 एंड द रैंक वाज 97,582। नेक्स्ट इज 14 सीट्स फॉर ST कैटेगरी और ST कैटेगरी का जो लास्ट देखा गया था मार्क्स नीट स्कोर दैट इज 457 और इस पे रैंक था इनका बच्चों दैट इज 1,25,059। 10 सीट्स फॉर BC कैटेगरी इसके अंदर था और इसके अंदर 606 मार्क्स पे इनका नीट स्कोर था एंड द रैंक वाज ऑल इंडिया रैंक वाज 16,945। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें बच्चों, 15 सीट्स EBC कैटेगरी के है इस मधेपुरा के अंदर, मधेपुरा मेडिकल कॉलेज के अंदर दैट इज 587 मार्क्स पे इनका नीट स्कोर था एंड द रैंक इज 26,615 ऑल इंडिया रैंक। 2 सीट ही इसके अंदर RCG के हैं जिसका लास्ट नीट स्कोर गया था 600 एंड रैंक था उनका 19,824 एंड द 9 सीट्स फॉर EWS और इसमें जो लास्ट कटअप गया था EWS का डेट इज 598 एंड द रैंक वाज 20,728। तो बच्चों ये था आपका डिफरेंट मेडिकल कॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, लास्ट ईयर एक और मेडिकल कॉलेज बिहार के अंदर जुड़ा जिसका नाम है ESIC मेडिकल कॉलेज। ये बच्चों जो भी वार्ड ऑफ इंसर्ट पर्सन है उनको दिया जाता है और इस पे जो टोटल सीट्स की बात करेंगे तो ये 100 सीट्स है। एक्चुअली इट इज़ गवर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और इसमें जो 50% सीट्स होते हैं वो स्टेट कोटा को दिए जाते हैं। तो इसमें भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इंसर्ट पर्सन होते हैं उनके लिए 35 सीट्स है, 50 सीट्स आपका जो है आपका ये आ जाता है फॉर स्टेट कोटा एंड 15 सीट्स जो होता है बच्चों वो ऑल इंडिया कोटा से भरे जाएंगे जो नीट के स्कोर से भरे जाते हैं। तो स्टेट वाले को 50 मिले थे, इसके डेटा के बारे में कभी हम आगे चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट इस इसके बाद बच्चों अगर बात करें दैट पटना डेंटल कॉलेज है, डेंटल कॉलेज में इसमें 40 सीट्स हैं जिसमें से 30 सीट्स जो बच्चों आपको भरे जाते हैं बिहार स्टेट से। तो ये था डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस ऑफ बिहार, हमने एक एक कॉलेज करके चर्चा की। आपको बच्चों
देखना है कि आपके रैंक क्या है और आपको कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलता है। आप ज़रूर अपना काउंसलिंग लिस्ट जब बनाते हैं तो उसमें इन कॉलेज का प्रायोरिटी रखें कि आपका रैंक क्या था, और उसी बेसिस से आपको भी अपना कॉलेज का एक लिस्ट बनाए। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें आपको ये जानकारी कैसे लगी, ज़रूर एक बार को शेयर करें कमेंट में। कभी भी कोई दिक्कत हो ज़रूर आप अपने क्वेरीज को वहाँ लिख सकते हैं। ज़रूर इस जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने दिया उसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, ऐसे बच्चों जो कि क्वालिफाई किए हैं जिनको मिलने का चांसेस है, और उन तक आप इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाएँ। थैंक यू वेरी मच। हम आगे भी और भी स्टेट के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। तब तक के लिए अलविदा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।